हाँ चलो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो वेब में एक्चुअली दो तरह के काम, मेन पोर्शन के दो तरह के काम होते हैं प्रोफेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं। वन इज कॉल्ड एज वेब डिजाइन एंड अनदर इज कॉल्ड एज वेब डेवलपमेंट। ये असल में बड़ी दो वास्ट दो टर्म्स हैं, वेब डिजाइन और वेब डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, बट दीज आर टू डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वी कैन से। तो वेब डिजाइनर एक अलग होता है असल में कंपनी में, और वेब डेवलपर एक अलग होता है। जब हम छोटी लेवल पे काम करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद ही डिजाइनर भी होते हैं, खुद ही डेवलपर भी होते हैं। लेकिन एक बड़ी कंपनी में जब आप काम करोगे इंशाल्लाह, या आप देखोगे किसी का, देखोगे प्रोफाइल, आप देखोगे वेब डिजाइनर का अलग प्रोफाइल होता है, तो डेवलपमेंट का अलग प्रोफाइल होता है। तो डिजाइनर की पहले हम बात करेंगे, वेब डिजाइनर कौन होता है असल में। वेब डिजाइनर एक कंप्यूटर प्रोफेशनल ही होता है, ठीक है। उनका काम क्या होता है डिजाइनर्स का? उनका काम होता है असल में वेब पेज की लुक। अगर हम एक वेब डिजाइनर की बात करें, डिजाइनर अलग अलग डिजाइन होता है, अगर वेब डिजाइनर तो वेब पेज की लुक डिफाइन करना, ठीक है। तो वो वेब पेज की लुक, जैसे ये एक पेज है, ठीक है, यहाँ पर ये एक आइकन है, होम आइकन, फिर यहाँ पे HTML लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है, फिर आप देखो ये जो लिंक्स है, ये W3CS की, W3 Schools की वेबसाइट है। तो फिर ये HTML, ये देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल में लिखा, और इसमें एक बैकग्राउंड एक दिया गया है। फिर जब होवर होता है, यानी इस पे ऊपर माउस हम ले लेते हैं, तो बैकग्राउंड जो है इसका थोड़ा डार्क हो जाता है, और जो यहाँ पे ये है, ये लिंक्स ये कैसे आ रही है, ये किस तरह से, कौन सी चीजें कहाँ होंगी और कौन सा कलर कहाँ पे यूज हो रहा है, होगा कौन सा फॉन्ट होगा, कितना बड़ा फॉन्ट होगा, कितना छोटा फॉन्ट होगा, किसमें शेडो होगा, किसमें शेडो नहीं होगा, सारी चीजें जो डिफाइन असल में करता है वो एक डिजाइनर, डिजाइन डेवलपर। तो डिजाइन क्या एक्चुअली करता है? डिजाइन हमें एक मोस्ट ऑफ द केस में एक PSD दे देता है, ठीक है, एक फोटोशॉप स्क्रिप्ट, एक डॉक्यूमेंट देता है, तो जिसमें उसने डिफाइन किया गया होता है, बनाया होता है एक ओवरऑल डिजाइन। वो एक डिजाइन, खाली डिजाइन होता है, ठीक है, वो एक्चुअल वेब पेज नहीं होता, खाली डिजाइन होता है उसका। सपोज उसने इसका एक फोटोग्राफ दे दिया हमें, ये जो एक वेबसाइट, उसने एक फोटोग्राफ दे दिया कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, वो डमी टेक्स्ट डालेगा या कुछ, और जो है लेकिन वो सारी इफेक्ट्स डिफाइन करेगा। जैसे वो दिखाएगा यहाँ पे अगर होवर होगा, यानी यहाँ पे अगर माउस चला जाएगा तो किस तरह की चेंजेस आ जाएंगी, यहाँ पे अगर माउस चला जाएगा किस तरह की चेंजेस आ जाएंगी, कहाँ कौन सा कलर कहाँ पे यूज होगा, कितनी विड्थ होगी, किसकी कितनी विड्थ होगी, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारा डिजाइनर जो है वो बता देता है, और हमें एक डिजाइन एक्चुअली क्रिएट करके देता है। तो डिजाइनर ने असल में, उसने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, समझी होती है, वो प्रोफेशनल होता है, उसे पता होता है कौन सा कलर यूज करना है, किस चीज के लिए कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, कितना बड़ा सेक्शन होना चाहिए, ये चीज लेफ्ट में आनी चाहिए, ये चीज राइट में आनी चाहिए, कलर थ्योरीज वो पढ़ता है, डिजाइन थ्योरीज वो पढ़ता है, तो मोनोक्रोम क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए मोनोक्रोमेटिक कलर, एनालॉज, कंप्लीमेंट कलर क्या होता है, कलर कंपाउंड क्या होता है, स्टैंडर्ड्स उसे पता होते हैं, जैसे US के, UK के, ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो डिजाइनर को ये सारी चीजें जो है असल में पता होती है, तो तब जाके वो डिजाइनिंग करता है। तो ये चीजें उसे सीखनी पड़ती है, दिन ब दिन जो ज्यादा डिजाइन करता है, उसे क्रिटिक्स मिलते हैं, कुछ अच्छे कमेंट, कुछ बुरे कमेंट के भी कुछ लगता है उसे। ये भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है कि कोई वेबसाइट हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उस पर बहुत टाइम, कभी हमें कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें कंटेंट तो होता है लेकिन वो हफजर्ड होता है, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है कोई चीज कहीं पे सीधे से दिखाई ही नहीं गई है, तो इंसान वो वेबसाइट या वो वेब पेज ज्यादा यूज नहीं करता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी एक डिजाइनर को बहुत सारी चीजें उसे याद रख, तो एक अलग ही फील्ड है, कंप्यूटर साइंस का फील्ड है, वेब का फील्ड है, तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, और बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है, और बहुत ही मजेदार फील्ड भी है वेब डिजाइनिंग। तो इंशाल्लाह आप में से अगर कोई चाहे तो वेब डिजाइनिंग पे भी जा सकता है, उसे क्या होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ HTML उसे पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ HTML कैसे काम करता है, CSS कैसे काम करता है, और जावास्क्रिप्ट वगैरह, बेसिक्स उसका, बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स फंडामेंटल्स कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, चाहे ज्यादा कोडिंग का उसे पता ना हो लेकिन बेसिक का उसे पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कर सकता, क्या उसे कलर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, टेक्स्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना पड़ता है कि कौन सी चीजें कब अच्छी लगती है यूजर को। देन उसके बाद जब वो एक डिजाइन हमें देता है, तो उसके बाद काम आता है एक्चुअल प्रोग्रामर का या वेब डेवलपर का, वेब इंजीनियर का, जो भी हो,
डेवलपर में भी दो होते हैं, फ्रंट एंड होता है एक, बैक एंड होता है. फ्रंट एंड हमें ये, या कभी फ्रंट और बैक एंड एक ही होता है, ठीक है. तो फिलहाल हम उस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ये बात यहाँ पर, ठीक है, डिजाइनर का अलग होता है, ठीक है. यहाँ पर अगर हम एक्चुअली, हमें आज देखना था कि कलर, कलर्स कैसे चूज किए जाते हैं और कलर्स का वैल्यू कैसे लेते हैं, और कलर एक्चुअली में जो CSS में यूज होंगे तो वो किस तरह के कलर होंगे और कौन कौन से, कहाँ से हम ले सकते हैं कलर. हम बहुत तरीके से, बहुत से वेबसाइट्स पे ऑनलाइन, W3 जो है उसकी अपनी वेबसाइट भी है, वर्ल्ड वाइड कंपोजरम की W, ठीक है, उनकी एक वेबसाइट, अपनी भी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कलर्स वगैरह. तो यहाँ पे मैंने W3 स्कूल्स की एक, इनके कलर्स पे एक टॉपिक है, तो अच्छा कलर टॉपिक है. और इनकी एक यहाँ पे एक पेज है कलर पिकर, तो ये कलर पिकर बहुत ही अच्छा टूल है इनने दिया है, तो ये अक्सर यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो फॉर योर एकेडमी, फॉर योर प्रोफेशनल, ये सब भी. तो कलर्स के वैल्यू हम देते हैं असल में, जब लास्ट वाले लेक्चर में या हम देखेंगे CSS में हम कलर्स देते हैं. सपोज ये टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, या यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड में दिया गया है ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर पे कैसे दे दूँ. ये कलर मैं बहुत तरीके से दे सकता हूँ. एक तो मैं सीधे इसका नाम बता दूँ, ठीक है, मैं सीधे कलर का नाम बता दूं, जैसे इस वाले में है हमें ऑप्शन कि यहाँ पे कलर का नाम है सीधे, ये टोमेटो है, ये ऑरेंज है, ये डॉगल ब्लू है, ये मीडियम सी ग्रीन है, ठीक है, एंड दिस इज ग्रे, दिस इज स्टेट स्लेट ब्लू, दिस इज वायलेट स्लाइट ग्रे, ठीक है. तो कलर्स के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम कलर्स के नाम कितने याद रखें, ठीक है. और बहुत सारे कलर्स के शायद उनके नाम अजीब हो या उनके नाम्स ना हो, क्योंकि हम जब हम कलर्स को मिक्स करते हैं तो नए कलर्स आ जाते हैं. तो असल में हम कलर्स के प्राइमरी कलर का तो हम नाम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट है हम कलर्स के असल में नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है. प्रोफेशनल में हम क्या करते हैं, हम कलर्स का एक अलग चीज यूज करते हैं. आइदर वी यूज हेक्साडेसिमल कोड यूजिंग हैश, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पर एक कलर, ये कलर पिकर है, एक टूल है यहाँ पे बना हुआ, इसका मैंने कोई कलर चूज किया. सपोज मैंने इसका ये कलर एक चूज किया, ठीक है, तो इस कलर का जो है यहाँ पे इसकी शेड्स आ गई, लाइटर डार्कर शेड्स जो आ गई इसकी है, ठीक है. तो अगर सपोज ये वाला कलर है, ये वाला 60% डार्कर है, ये तो इसका ये हैश, पहले हैश इसका मतलब हेक्साडेसिमल कोड है इसका ये, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ. कलर की जगह लिखो हेक्साडेसिमल ये कोड, तो खुद समझ जाता है ब्राउजर, हमारा खुद समझ जाता है कि इस कलर का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें ब्राउजर में डिफाइन की गई है. तो ये एक तरीका है, और ये रिकमेंडेड तरीका है कि एक हेक्साडेसिमल कोड हम यूज करें. दूसरा तरीका है RGB, रेड ग्रीन और ब्लू जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उनके वैल्यूज दे दे उसको. सपोज इसका आर आर वैल्यू इस कलर का, जो हमने ये कलर चूज किया है, सपोज ये वाला कलर, ये वाला कलर, इसका आर वैल्यू है 204, इसका ग्रीन वैल्यू है 102, इसका ब्लू वैल्यू है 255. तो ये तीनों कलर इस रेशियो में जब मिल गए हैं तो इन्होंने ऐसा बना. और एक और ऑप्शन है हमारे पास, ह्यू ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस, ह्यू सेचुरेशन HSL, ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस, ठीक है. तो इसका ह्यू वो डेंसिटी होती है, वो मैं थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ. हम 280 लिखते हैं, ये 100% है, और ये 70% है लाइटनेस, सेचुरेशन लाइटनेस कितनी. लेकिन इसमें भी, इन तीनों में भी अगर आप देखोगे, सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे इज टू यूज एन हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है. हेक्साडेसिमल कोड मोस्टली हम हेक्साडेसिमल कोड ही यूज करते हैं, और वो आसान भी रहता है और हमारे लिए इजी भी रहता है, ठीक है, और बेस्ट भी है. धीरे धीरे जब आप कोड्स यूज करोगे तो आप समझोगे, जब हम 6 times F लिखते हैं, ठीक है, तो दैट मीन इज वाइट, ठीक है, देखो ये वाइट आ गया, ठीक है, 6 times F वाइट होता है. और अगर 006 times लिखेंगे तो दैट इज ब्लैक, ब्लैक आ गया. ये चीजें आप समझोगे. अगर मैं सपोज लिखूं D4 D4 D4, तो ये थोड़ा ग्रे है वाइट की, ये इसकी शेड थोड़ी सी, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने दिया होगा D4 D4, एक दिया है इसने यहाँ पे D4 D4, एक शेड है, ठीक है, जैसे 4040 एक और शेड है, जैसे लाइटर शेड अगर हमें चाहिए तो D9 D9 है, या ट्रिपल या CCC वैल्यूज है, ठीक है. तो ये चीजें हेक्साडेसिमल में है. तो कलर जब भी हम पिक करें, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, जैसे एक टूल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी कलर को पिक क्लिक कर सकते हैं, फिर उसकी शेड जो है सब उसका, मुझे कौन सा शेड डार्कर है या लाइटर, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे
कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कलर्स जो है याद नहीं रहेंगे, इतने हेक्साडेसिमल वैल्यू याद नहीं रहेंगे. सो हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हैं, वी कैन यूज देम एनी टाइम. हमारे पास जो ऑनलाइन टूल्स हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं. हमें कलर, जैसे ये एक टूल है, एक बहुत ही अच्छा टूल है. किसी भी कलर पे क्लिक करो, उसके शेड्स, उसकी सेचुरेशन, यहाँ पे ह्यू और सेचुरेशन में देखो आप, बहुत सारे कलर्स है सेचुरेशन में है, किसमें कितनी सेचुरेशन है, लाइटनेस, आर जी बी वैल्यू, आर इज रेड ग्रीन और वैल्यू, ये कितना आपको चाहिए. जैसे इसमें मैं यहाँ पे, इनमें भी एक बहुत अच्छा, जैसे आप चाहते हो 36% रेड, 65% ग्रीन, 110 ब्लू, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये कलर बन जाता, तो इसका एक वैल्यू भी हमारे पास आ जाता है. ठीक है, तो ये भी हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, चाहे इसका आर जी बी वैल्यू, अगर आर जी बी तो पूरा आर जी बी लिखना होता है, और ये वैल्यू अगर ये हेक्साडेसिमल तो सीधे हैश से स्टार्ट होकर ये वैल्यू हम कॉपी करते हैं और यूज करते हैं. तो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, बट आई रिकमेंड हेक्साडेसिमल वैल्यू, इट्स इजियर, इज वन ऑफ द रिकमेंडेड वे. ठीक है, तो जब भी आप कलर्स यूज करोगे, तो आई रिकमेंड कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही